तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं खाना खा रहा हूँ दोस्तों, ये है रोटी और ये है चावल दोस्तों, और ये है वटाना की सब्जी दोस्तों बनी हुई है आज मेरे घर पे। तो दोस्तों आज मैं यही मैं आज खाना खाऊंगा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। भाजी काफ़ी अच्छी बनी हुई है दोस्तों, होटल जैसी भाजी है, सॉरी होटल जैसी भाजी है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। मस्त भाजी है दोस्तों, मज़ेदार भाजी। दोस्तों ये जो रोटी है गेहूं के आटे की बनती है दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही रहेगा फिलहाल। और दोस्तों रोटी और भाजी खाने में बहुत ही मज़ा आता है। जब भाजी एकदम मस्त मज़ेदार हो, मसाले वाली भाजी, खाने में मज़ा आ जाता है दोस्तों। दोस्तों एक्चुअली ये जो रोटी मैं खा रहा हूँ, ये आप लोगों ने सोचा रहेगा कि एक्चुअली ये रोटी इतनी मुड़ी हुई कैसी है और टूट रही है रोटी। एक्चुअली ये रोटी दोस्तों तेल में फ्राई की हुई रोटी है, और ये सुबह की रोटी है। एक्चुअली अभी दोपहर हो गया है इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड हो गया, फिर भी काफ़ी सॉफ्ट है, नरम है। आप लोग देख सकते हैं तुरंत उंगली से दबाने से ही ये टूट जा रही है दोस्तों। रोटी के साथ इतना मज़ेदार भाजी खाने में मज़ा आ गया दोस्तों, अब इसे भात के साथ खाऊंगा तो और मज़ा आएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों, और आप लोगों को दिखाता रहूँगा दोस्तों। इंडिया अपना बहुत बड़ा एक देश है, और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, सबका रहन सहन, खाना पीना, सोचने समझने का तरीका, उनके जो कल्चर होते हैं काफ़ी अलग होते हैं। तो आप लोग वो में से, आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से कुछ बहुत बड़े 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 लोग भी रहेंगे, कुछ हमारे लेवल के और कुछ गरीब लोग भी रहते हैं दोस्तों। तो सबके घर का अपना अपना मज़ा आ रहा है दोस्तों भात के साथ खाने में, मुंह में डालते ही पिघल जा रहा है, और दो चार बार
बाइट करने के बाद सीधा गले में फिसल जा रहा है दोस्तों। अब इसको भाजी थोड़ी ऑयल लेनी पड़ेगी क्योंकि आधी से ज़्यादा भाजी तो मैंने रोटी के साथ ही खा गया था, और जो भाजी बची हुई है वो अब मैं भात के साथ खा गया दोस्तों। अभी भी इतना भात बचा हुआ है, अभी भी भाजी की ज़रूरत है दोस्तों। अभी अभी हाल ही में अपडेट आई है कि भाजी ख़त्म हो चुका है सब लोग खा चुके हैं भाजी, और अब मुझे सूखा भात खाना पड़ेगा दोस्तों। ये अभी अभी हाल ही में अपडेट आई है, सेंट्रल हेड ऑफिस से, जो हमारे घर के खाने को ऑपरेट करते हैं दोस्तों। तो अब देखा जा रहा है, वहाँ हड़कंप मची हुई है कि तो अब एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, दही है, दही खाओगे क्या। तो ऐसे और भी रिपोर्ट्स आएंगे दोस्तों, तो आप लोगों को मैं सारे रिपोर्ट्स बताते रहूँगा फिलहाल। तो अभी फ़िलहाल दही आई हुई है दोस्तों, तो अब मैं दही के साथ आप लोगों को बाकी का भात खा के दिखाऊँगा दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल ये सूखा जो भात है ये अभी तो फ़िलहाल मैं, भाजी बहुत मज़ेदार थी दोस्तों, कसम से मैं बता रहा हूँ, अब दोबारा बनवाऊँगा कभी भाजी। तो चलिए इतना ख़त्म करके फिर मैं दही के साथ खा के दिखाऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे लिए दही आई हुई है क्योंकि भाजी खत्म हो गई है, अब मैं भात और दही खाऊंगा दोस्तों। ये दही मेरे लिए निकाल दिया गया है दोस्तों सेपरेट। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल अभी मैंने घी सॉरी दही तो मैंने निकाल लिया है मेरे थाली में, और जो भाजी था वो ख़त्म हो गया है दोस्तों। अब मैं दही और भाजी खाऊंगा। क्या आपने कभी दोस्तों ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप लोग खाना खा रहे हैं और अचानक में जो भाजी है या फिर जो सामान है वो ख़त्म हो गया है, और आपको फिर उसके रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा चीज़ आप खा रहे हैं दोस्तों। तो दही तो जो खट्टी होती है दोस्तों, इसके लिए दही को थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए मैं दही में थोड़ा सा शक्कर भी डालूंगा दोस्तों। देखिए अभी शक्कर भी आ गया है दोस्तों, 2 चम्मच शक्कर बस हो गया दोस्तों, दही शक्कर और भात। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं इसे अच्छे से सान लेता हूँ, फिर मैं इसे खाना शुरू करता हूँ। दोस्तों दही काफ़ी ठंडी है क्योंकि फ्रिज में से निकाली गई है दोस्तों ये दही, और ये शायद से हम लोग के घर में नहीं, घर में तो नहीं बनाई गई है दही, ये दही बाहर से ही आई गई थी, बस इसे हम लोगों ने रखा था अपने पास, वो तो अचानक में दही था इसके लिए मैं दही भात खा रहा हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों दही भात खाना। तो चलिए दोस्तों पहला बाइट मारते हैं अब। टा दोस्तों, इसका टेस्ट ना कुछ खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा भात, ये तीनों को कॉम्बाइन टेस्ट आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है फिलहाल खाने में। ये जो दही भात होती है, एक्चुअली गांव में चूरा दही खाया जाता है दोस्तों, मालूम है आपको, चूरा दही और शक्कर एग्जैक्टली सेम टू सेम वही टेस्ट आ रहा है, क्योंकि चूरा भी जो रहता है दोस्तों वो चावल का बनता है, और ये जो चावल से ही भात बनता है दोस्तों। तो फिलहाल मैं भात, दही और शक्कर खा रहा हूँ, और चूरा दही का ही एग्जैक्ट सेम टू सेम टेस्ट आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को मालूम रहेगा चूरा दही आपने खाया रहेगा तो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, फ़िलहाल अभी मेरा ये लास्ट बाइट है दही भात और शक्कर का, मैंने पूरा का पूरा खा गया दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैंने तो सोचा था सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये वीडियो बन गया 9 मिनट का दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।